हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो के लिए स्पीक ना करें। आपका छोटा भाई हूँ राधे राजपूत, डीजे चैनल के नाम से मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है। तो आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ, जैसे कि कुछ लोग डीजे वाले जितने पर भाई हैं उन्हें ये नहीं पता कि जैसे कि 1 साल हो गई, 2 साल हो गई या फिर आपकी 3 साल हो गई, शायद हो सकता है 5-5 सालों में मशीन के लिए हाथ नहीं लगाते हैं, जैसे कि खराब नहीं हुई तो चली रही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि पीछे 2 फैन होते हैं तो वो जो सामने से मिट्टी खींच के अंदर कर लेते हैं, वो सफाई नहीं हो पाती है। तो कुछ सेट ऐसे होते हैं जो फॉल्ट मारने का जो उनका मेन प्रॉब्लम होता है कि उनकी सफाई होनी चाहिए। अच्छा, सफाई आप ये कहोगे जैसे कि बुरश से कर दी या फिर कोई और चीज ले ली, नहीं, आपके लिए एक ऐसी गन मशीन लेके आया हूं जो कि आप ले सकते हो। जैसे कि 1700 की आती है एक, 1800, 2000 रुपये या फिर आपकी 700 रुपये की आ जाती है, कम नीची रेंज में। तो आपके लिए गन मशीन भी दिखाने वाला हूं और आपके लिए सेट भी दिखाऊंगा कैसे खोल रखा है मैंने अपना 4000 वाट RX, मतलब कि BM वाले का जो दिल्ली में मिलता है, आप कहीं से भी ले सकते हो शायद। तो आपके लिए एक जानकारी ऐसी दूंगा जैसे कि मेरा साइड आपके लिए साफ करके दिखाऊंगा कि गन मशीन से कितनी धूल मट्टी निकलती है या फिर क्या है। वैसे ज्यादा नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए जानकारी दी थी क्योंकि मेरे जितने पास साइड चलते हैं डीजे लाइन में वो धूल मट्टी की वजह से गंदे हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए साफ करके रखता हूँ। तो मेरी मशीन बहुत ज्यादा कम खराब होती है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपके लिए दिखा दूं, ये मेरी गन मशीन है। ये गन मशीन ऐसी होती है जैसे कि हवा निकालती है बहुत स्पीड से, तो इससे धूल मट्टी ये यहाँ से खींचती है हवा के लिए और यहाँ से डस्ट निकाल के फेंक देती है, मतलब कि निकाल देती है। तो ये मेरी अच्छी क्वालिटी की है, आप भी ले सकते हो, जैसे कि हल्की भी कर सकते हो। जैसे कि ये है मेरा, ये मैंने तार लगा रखे हैं, जैसे कि मेरा 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, ये 4 तक, मतलब 5 तक है सर। अच्छा, इसकी कंपनी ये है, आपके लिए दिखा दूँ, ये इसकी कंपनी है, ये मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है सर। तो ये मेरी गन मशीन है, थोड़ा मैंने तार लगा रखा है, ये मेरी पावर केबल है। तो ये मेरा सेट है 4000 वाट, थोड़ा सेट की तरफ दिखा दें। ये मैंने ऑलरेडी भैया पहले से खोल रखा था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो भाई मेरे स्पीक कर देते हैं, मतलब कि काट देते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के लिए ना भूलें दबाना, और जो नीचे रेड कलर का बटन है उसके लिए भी दबा लें। तो ये मेरा सेट है, थोड़ा गंदा तो नहीं है इतना, आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए डबल चैनल का है, तो आपके लिए जानकारी थोड़ी बाद में दूंगा क्या है कैसे है। तो इसके लिए थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ क्या है कैसे, ठीक है भैया। तो थोड़ा साइड से दिखा दें मुझे, तो ये मैं चलाता हूँ, आप थोड़ा गौर से देख लीजिए, ठीक है ना। तो सर ये मैंने दो पॉइंट पर चलाई थी, अभी इसका प्रेशर इतना होगा कि बहुत ज्यादा होगा तो आपके लिए बता दूं, अब ये मैंने 6 पे कर दिए तो इसका प्रेशर और ज्यादा होगा। ये देखो, बहुत ज्यादा शायद आपके लिए आवाज आ रही होगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा रख देता हूं। ये मेरी गन मशीन थी, तो आपके लिए थोड़ी सी और जानकारी दूंगा, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा। जितने पर मेरे डीजे वाले भाई हैं वो थोड़ा गौर से देखें। इसमें थोड़ा आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा जो अंदर वाला सिस्टम है, जैसे कि 4000 वाट कैसे बोली जाती है, लिख कुछ रहा है कुछ किसी साइड पर, हमने कुछ और डाल दिया या फिर कंपनी कौन सा बना के दे रही है। ये मेरा सेट प्रॉपर 4000 वाट है, मतलब कि ओरिजिनल है, BM वाले का, जो कि MT बेचते हैं, CA 12, मतलब MT बेचते हैं, आपकी 1601 है, 1201 है। तो आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, इसमें कितने मॉस्फेट लगे हुए हैं और क्या
मतलब फिल्टर कितने लगे हुए हैं। तो ये मेरा आ गया, थोड़ा जूम करके दिखा दें, ये मेरा आ गया मैन, इसका जो मैन है ये मेरा मैन है, थोड़ा जूम करके दिखा दें, और ये मेरे, ये मैन है मेरा, अच्छी क्वालिटी का है, जिसके पास एक कैप भी लगाया हुआ है, ये मेरा कैप है इसका, जो कि इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए। अच्छा, ये मेरा दोनों मतलब चार इसमें फिल्टर लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है, जो कि कंपनी दिखा सकते हो इधर से है कौन सी कंपनी का है। और आपके लिए एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि इसमें मॉसफेट जो पड़ा हुआ है मेरा, जैसे कि ये इस लाइन में दिखा दें, ये मेरा छोटा है, देखो आपके लिए गिन के बता रहा हूँ, 1 2 3 4, तो चार नीचे लग रहा है, चार ही ऊपर लग रहा है, तो ये मेरा 8 पीस हो गया। इधर से मेरा ये मॉसफेट है जो कि अच्छी बेस देने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 14 बनता है, इधर में 14 बनता है, 14 × 28, और ये आपका तीन इधर है, इसका कोई अपना रूल होता होगा क्या है कैसे है। और आपके लिए थोड़ा दिखा दूँ पीछे से, ये मेरा पीछे की बैकग्राउंड में 2 फैन लगे हुए हैं, और यहाँ से आप पिन वगैरह लगा सकते हो, यहाँ से तार दिया गया है, और यहाँ से आप J2 स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा नई वीडियो खींचूंगा, तो वीडियो के लिए यहीं समाप्त करता हूँ। वो तो इतनी जानकारी इसलिए दे दी थी क्योंकि मेरा मन नहीं था, ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है इसकी, इसलिए मेरा मन नहीं था किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए, तो मैंने खोली थी तो सोचा भैया के लिए, जितने बार भाई हैं मेरे, थोड़ा दिखा दूँ क्या है कैसे है। तो साथ अच्छा लास्ट में ये बोलूँगा, अपनी मशीन है, जितने बार डीजे वाले मेरे भाई हैं, अपनी साफ सुथरी रखें, अंदर से भी बाहर से तो दुनिया करती करती है, डीजे वाले जितने बार भाई हैं मेरे, दुनिया करती है, भाई भी करते हैं, भाई साहब भी करते हैं, मतलब कि अंदर से ज़्यादा बेटर रहनी चाहिए मशीन। जैसे कि ये मेरी साफ सुथरी हो गई तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंटिन्यूस चलेगी, अच्छी बजेगी, थोड़ी सुकून में भी बजेगी, ठीक है। तो वीडियो के लिए यहीं समाप्त करता हूँ, तो वीडियो अगर मेरी पसंद आए, तो वीडियो अगर शायद आपके लिए पसंद आ गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के लिए भी दबा लें, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसके लिए ना भूलें। और एक और बात की जानकारी दे दूँ, मेरा जो आपके लिए जो मैंने एड्रेस बताया था, अथरौली रोड रेलवे स्टेशन यानी कि रायपुर स्टेशन, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगली वीडियो में आपके लिए मिलने वाला है, तो मेरा है राधे राजपूत डीजे के नाम से, ठीक है भैया। तो चलते हैं अगली वीडियो पर, गुड लक।